कीर्तपुर नेर चौक फोर लेन शुरू होने के बाद से सुनसान पड़े पुराने नेशनल हाईवे 205 चंडीगढ़ मनाली पर और इसके साथ सटे लोगों में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। गुरुवार को पुराने नेशनल हाईवे के साथ सटे उपमंडल स्वादघाट की ग्राम पंचायत तंबोल के गांव चेली गांव में चोरी की दो घटनाएं सामने आई। पहली घटना में अज्ञात चोरों ने कृष्णपाल की सड़क किनारे खड़ी कार नंबर HP 913074 की तेल की टंकी की पाइप काटकर तेल चोरी किया, तो वहीं दूसरी घटना में भी इसी गांव के बाबा बालकनाथ मंदिर के बाहर लगी सोलर लाइट की बड़ी बैटरी उड़ा ले गए। दोनों घटनाओं के संबंध में पुलिस थाना स्वारघाट में शिकायत पत्र सौंपा गया, जिसके बाद स्वारघाट पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही अज्ञात चोरों ने नेशनल हाईवे के सड़क किनारे हादसे को रोकने के लिए लगाए गए लोहे के बैरिकेड्स पर भी हाथ साफ कर लिया। एंस्टा न्यूज के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। हैं सभी गांव वाले, तीन चोरों का पता लगाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। मैं कृष्ण ठाकुर, गांव केड़ी, पोस्ट ऑफिस तनबोर, तहसील श्री नैनादेवी और जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। मैंने कल शाम को, दोपहर को मैं ड्यूटी से आ गया था और मैंने वहां पे गाड़ी पार्क की थी घर से कुछ दूर, तो जब मैं शाम को किसी काम से गंबरपुर जाने लगा तकरीबन कोई 9 बजे, तब मैंने देखा कि मैं गाड़ी स्टार्ट लगा करने तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी कोशिश की, फिर उसमें दिखा कि तेल कम दिख रहा है, तो मैंने बाइक से तेल निकाला अपने साड़े की बाइक से, तो फिर उसमें जब डालने लगे तो वो सारा नीचे गिर गया। तब मुझे पता लगा कि ये टंकी की पाइप कट चुकी है। फिर साथ में ही इधर हमारे चाचू जी हैं, तो उन्होंने बताया कि इधर से मंदिर के पास से बैटरी भी एक चोरी हुई है। तो मेरा थाना प्रभारी और SHO स्वारघाट से निवेदन है कि इन चोरों पे लगाम लगाई जाए ताकि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। धन्यवाद।